माँ बीमार है, हजार के नौकर का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। रात को बॉडी खत्म हो चुकी है, 1 बजे एक्सपायर हो गए थे और ये लोग बिल्कुल बॉडी नहीं, बॉडी दे नहीं रहे। तो क्या दिक्कत आ रही है? सर, ये 500 और 1000 के ना नोट लेंगे और ये कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं खुले लाओ बिल्कुल अभी, और जो ना चेक लेंगे, ये कार्ड लाओ, कार्ड हम पे नहीं है, कैसे ले हम अपनी बॉडी? डॉक्टर हूँ उनकी, मेरे फादर है। बीमारी सिचुएशन ठीक होने का इंतजार नहीं करती, बीमारी ब्लैक मनी और व्हाइट में फर्क नहीं करती, और हॉस्पिटल चेक से पेमेंट में यकीन नहीं रखते तो मरीज क्या करे? 500 और 1000 की नोट। जिनके घर में शादी है उन परिवार वालों को भी इस सरकार के फैसले से बहुत परेशानी है। घर में शादी है, वैसे नहीं। जिस घर में कुछ दिन बाद शादी हो, मेहमान आने शुरू हो जाएं, उसके पास पैसा भी हो लेकिन लोग नोट लेने से इनकार कर दें, तो परिवार का क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अशोक ने बेटी की शादी के लिए सारी जमा पूंजी निकाली, लेकिन अब जिन लोगों को पेमेंट करना है वो 500 और 1000 के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं और परिवार वाले रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुके हैं। कैसे अब ये रद्दी बन चुका है, 500 के 1000 के नोट बंद हो गए, अब क्या करेंगे, कैसे शादी होगी? सोनी भाई, अब पिता की हालत देखकर बेटी भी परेशान है। अशोक कुमार की बेटी ने कहा, सरकार के एक फैसले से एक ही झटके में परिवार का माहौल बदल गया। 2 हफ्ते भी नहीं है शादी को और पैसा कैसे मैनेज होगा, कैसे निकाला जाएगा, कुछ समझ नहीं है। जो तैयारी है उस पर पोल खुल गई भारत सरकार की। जो सरकारें जनता को दुख देती हैं, जनता उस सरकार को हटा देती है। नमस्कार साथियों, मैं मयंक चतुर्वेदी आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहता हूं, आज से 1 साल पहले की, जब 8 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री ने एक नोटबंदी का तुगलकी फरमान जारी किया। उन्होंने फरमान जारी करा, उसके बाद विदेश में जाके हिंदुस्तान का भरपूर रूप से मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि उन लोगों को दिक्कत होगी जिन लोगों ने पैसा बिस्तरों में छुपा रखा है या बाथरूम में छुपा रखा है, ये नोटबंदी उन लोगों को परेशान करेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, दोबारा 1 साल पहले ले जाना चाहता हूँ आपको, कि वो दिन याद करें, उसे भूले नहीं बिल्कुल भी, कि लोग मर रहे थे लाइन में और वो मजाक बना रहे थे, लोगों को लाशें नहीं मिल रही थी उनके परिवारों वालों की और वो मजाक बना रहे थे, बेटियां विदा नहीं हो पा रही थी और वो मजाक बना रहे थे, वो सिर्फ मजाक बनाते चले गए, उनको बिल्कुल नहीं ऐसा लगा कि कितने निर्दयता उन्होंने करी है। अरे साहब, अगर आप काला धन वापस लाना चाह रहे थे या काले धन पे रोक लगाना चाह रहे थे, तो क्यों नहीं आपने स्विस बैंक से वो पूरी डिटेल मांगी, और जिसके बारे में एक वो बाबा, हमारे प्रोफेशनल बाबा जो जिनकी दुकानें चल रही हैं आजकल, तो काजल बिंदी पाउडर भी बेचने लग गए हैं, वो चिल्ला चिल्ला के सलवार सूट पहन के जब भाग रहे थे, बोलते थे काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा, ये गोदी बाबा आया लेकिन काला धन नहीं लाया, इसने सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया लोगों को। साथियों, मैं इस बात को कहते हुए मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि मोदी जी ने सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को उनको फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी करी है। अगर नोटबंदी समय, ये कहते हैं कि हमने तुरंत फैसला लिया, परंतु अक्सर जिस माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इनकी सरकार आई, उसी माध्यम से हम लोगों को भी पता लगा कि इन्हीं के लोगों ने, उनके हाथों में 2-2 हजार के बंडल बहुत पहले ही देखे गए थे। ये एडिटिंग करने में बड़े माहिर हैं, इनको आदत है हमारे किसी भी नेता की फोटो को एडिट करके दिखाने की, लेकिन हम लोगों ने ये चीज नहीं सीखी है साहब, हमने तो जो चीज इनकी तरफ से आई हमने देखी, वही हमें पता लगा कि सोशल मीडिया पे 2-2 हजार के बंडल लेके इनका कोई बीजेपी का नेता घूम रहा था। साथियों, मैं एक बार आपको दोबारा याद दिलाऊं, ये लोग कहते हैं कि हम विजय दिवस मनाएंगे, किस बात का विजय दिवस मनाएंगे, किस बात का विजय दिवस, क्या इस बात का विजय दिवस कि गरीब जनता मर गई सड़कों पे, इस बात का विजय दिवस, या इस बात का विजय दिवस कि इनके अडानी और अंबानियों के खाते भरते जा रहे हैं, इस बात का विजय दिवस? वो पैसा जो इन्होंने अपनी रैलियों पर लगवाया,
उस पैसों की भरपाई नोटबंदी के द्वारा इन लोगों ने करी है। साथियों, बहुत दुख की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, बरगलाते हैं लोगों को। साथियों, मैं एक बात और बोलूँगा आपको, आप देखिए, जब नोटबंदी हुई थी तो इन्होंने हमारा मजाक बनाया था, लोग रो रहे थे, इन्होंने बोला आप मुझे 15 दिन का, 1 महीने का समय दें, नहीं तो जिस मर्जी चौराहे पे बुला के मुझे जूते मारें। SPG के बीच में इन्हें जूते मारना तो बहुत दूर की बात है, एक कंकड़ नहीं फेंक सकते हम इनके ऊपर। अगर ये सच्चे देशभक्त हैं और इनको लगता है कि मैं असलियत में देशभक्त हूँ, तो इनको बिना SPG के घूमना चाहिए, फिर दिखा दूंगा, कोई ना कोई नौजवान नहीं, वो बुजुर्ग दिखाऊंगा, जो बुजुर्ग बेचारे परेशान हुए थे लाइन के अंदर, वो बुजुर्ग जाके इस पे ऐसा जूता फेंक के मारेंगे कि ये इंसान याद रखेगा इसने कितना परेशान करा है लोगों को। ऐसे तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिए, शर्म आनी चाहिए। बात हिंदुओं की करते हैं, हमेशा डाइवर्ट करते हैं चीज़ों को, कहीं पे कोई इन्होंने विकास नाम की चीज़ नहीं करी, जितनी हमारी जितनी परियोजना हमारी थी उन सबको नाम बदल बदल के चालू कर दिए इन्होंने। मैं दोबारा से नोटबंदी पे आना चाहूँगा साथियों, नोटबंदी से किसका फ़ायदा हुआ? सिर्फ इन्होंने बोला कि पता नहीं कितने करोड़ हजार करोड़ों की बातें करते हैं, कितना काला धंधा। भैया, आप ही के RBI ने रिपोर्ट दी है कि जितना पैसा मार्केट में उतना सारा वापस आ गया, तो काला धन बचा ही कहाँ पे? सबको चोर ठहरा दिया आपने एक रात के अंदर, हर आदमी चोर है, जो गरीब बेचारा लाइन में लग रहा है वो भी चोर है। अरे भैया, आपने सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी में कुछ गिने चुने लोगों को पैसे वाला बनाया है। एक नया व्यापार शुरू हो गया था नोटबंदी के टाइम पे कि परसेंटेज के हिसाब से लोग पैसे बदलवा रहे थे अपने। अरे आपने साहब उस व्यापारी की कमर तोड़ दी। और साथियों, मैं एक चीज़ अपील ज़रूर करूंगा, जो काला दिवस हम लोग मनाना चाहते हैं, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी मनाना चाहती है 8 नवंबर को, उसमें हर आम नागरिक को हिस्सा लेना चाहिए। ये काला दिवस हमारे लिए नहीं है सिर्फ, ये काला दिवस हर उस इंसान को याद करना होगा उस बात को कि उसने क्या परेशानियाँ झेली थी। अगर आज हम ये परेशानियाँ भूल गए तो हो सकता है कल को ये फिर हमारा मजाक बनाए, GST का भी, जो इन्होंने GST से व्यापारी को परेशान कर रखा है। आज इन्होंने रियायतें देनी शुरू कर दी है GST के अंदर, क्योंकि गुजरात के अंदर जहां से इनकी शुरुआत हुई वहां पे एक बात लिखी गई कि हमारी भूल कमल का फूल, और उस चीज को कवर अप करने के लिए इन्होंने GST के अंदर रियायतें दी हैं। साथियों, ये सिर्फ बुरा करते हैं, उसके बाद लीपा पोती करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। साथियों, मैं एक बार आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 8 तारीख को आप और हम सब मिलके काला दिवस सिर्फ मौन से तरीके से मनाएंगे। हम इनकी तरह दंगा फसादी नहीं हैं, हम दंगा फसाद नहीं हैं। मैं एक बात की पुरजोर तौर पे कहना चाहूँगा, और मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है इस बात को, यदि ये फैसला कांग्रेस के सरकार ने लिया होता तो मुझे लगता है कितने ATM लुट चुके होते, कितनी तरफ आगजनी हो चुकी होती, क्योंकि इनका काम है यह सब करना। आज हमारी सरकार होती है अगर कांग्रेस की, तो यह आगजनी करने में माहिर लोग आप लोगों को बरगलाते, आप लोगों को परेशान करते। हमने, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, हम कहीं पे भी लाइन में आप लोग लगे हुए थे, हमने सिर्फ आपकी मदद करी, हम खड़े हुए, आप याद करिए उस बात को, हम खड़े हुए, हमने बिस्किट बांटे, हमने चाय बांटी। बेचारा रात से जो आदमी खड़ा हुआ है, सुबह तक खड़ा रहा, भूखा प्यासा खड़ा हुआ था लाइन में, उसको उसके नोट नहीं बदले जा रहे थे, परेशान हो रहा था, आंसुओं से लोग रोते हुए हमने देखे हैं। उस बातों को भूलिएगा मत, बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर आप भूल जाएंगे ना, तो फिर से मजाक बनाएगा आदमी आपका, ये आपका मजाक बनाएगा, हमारा मजाक बनाएगा, सबका मजाक बनाएगा। इस आदमी ने हिंदुस्तान को एक मजाक बना के छोड़ दिया है। इसके भक्त बोलते हैं कि ऐसा बढ़िया प्रधानमंत्री बोलने वाला हमें नहीं मिला। अरे साहब, हमें तो पुराने वाले दिन ही वापस दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन। क्योंकि एक बड़ा अच्छा, अभी गुजरात वालों के लिए मैं डायलॉग बोलूंगा, अच्छे दिन उनके आने वाले हैं क्योंकि वहां से मोदी जी जाने वाले हैं, ये सच्चाई है। अपनी वाणी को यही विराम देके मैं आप लोगों को दोबारा अपील करूंगा कि 8 तारीख को बढ़ चढ़ के काले दिवस मनाने में सब हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत।